गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 5G स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट है आपका हेडिंग सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि जो भी निम्नलिखित में क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे 1 का ये है 4/9 + 1/9, तो आप 9 का एलसीएम निकालेंगे, 9 होगा, 9 से 9 1 बार में जाएगा, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 9 से 9 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार 5/9 हो गया, 4 × 1 = 5, अपॉन में 9 है तो 9। नेक्स्ट इसी तरह 100 का एलसीएम आपका 100 होगा, और 100 से 100 में डिवाइड करेंगे 1 बार में, और 1 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12। 100 से 100 1 बार में, 1 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 13। इस प्रकार 12 और 13 को प्लस कर देंगे 25/100। मैं देख रहा हूं कि 25 से 400 कट जाएगा, आपका 1/4 हुआ, लेकिन वही 5 से ये 9 आपका कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखेंगे, 1/10 + 3/10 + 5/10। आप एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम होगा, 1 से 10, 10 से 10 1 बार में, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10 से 10 1 1 बार में, 3 से 3, 10 से 10 1 1 में 5 से करेंगे 5, 1 × 3 = 4 + 4 = 5 × 9 / 10। नेक्स्ट इसी तरह बी नंबर देखेंगे, पहले आप पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 2 × 5 = 10, और 10 में 1 प्लस कर देंगे 11/5 + 5 = 15 to 17/5 + 6 = 31/5 5 × 2 = 10 = 11 5 × 3 = 15 to 17 और 6 × 5 = 31 अब 5 × 5 = 5 का एलसीएम निकाल देंगे 5, तो आपका 11 + 17 + 31 हो गया, क्योंकि 5 × 5 = 5 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 से ऊपर में किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही होगा आपका। इस प्रकार आप प्लस कर देंगे 1 7 8 8 1 9, 1 7 8 8 1 9, 1 1 2 2 3 5/5। आप इसको जब पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 11/4/5। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 में आपका एक सब्ट्रैक्ट देखिए, 3 का ए आपका है 3/5 - 2/5, 5 × 5 का एलसीएम 5, 5 × 5 1 बार में, 1 से 3, 5 × 5 1 बार में, 1 से 2, 2 × 3 में 2 चला जाएगा 1, 3 से 2 चला, 3 में से 2 चला गया तो 1/5। नेक्स्ट इसी तरह 4 का आप एक देखिए, 4 का डी आपका है, नहीं हाँ देखिए 26/75 - 11/75, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 75 का एलसीएम 75, 75 से 75 1 बार में, 26 - 11, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1/75। अब इसको देखेंगे 5 से ये चला जाएगा 3 बार में, 5 से ये भी चला जाएगा आपका 1 × 5 15 बार में, और 3 से ये आपका चला जाएगा 5 बार में। इस प्रकार 1/5 हो गया। इसमें आप 4 का
सी नंबर भी देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है आपका। फोर का सी आपका है वन माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन, वन माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन। तो आप वन माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन है बाई में वन ले लीजिए, वन सिक्सटीन के एलसीएम सिक्सटीन होगा, वन के टेबल में सिक्सटीन, सिक्सटीन बार में सिक्सटीन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन होगा, सिक्सटीन सिक्सटीन वन बार में वन से सेवन में मल्टीप्लाई करेंगे सेवन, 16 में से आपका 7 जाएगा 9 अपॉन 16। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपका है 6 होल 2 अपॉन 3 माइनस 2 होल 1 अपॉन 3, 6 होल 2 अपॉन 3 माइनस 2 होल 1 अपॉन 3, 6 3 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20 अपॉन 3, 6 3 जा 18 में 2 प्लस कर देंगे तो 20 अपॉन 3, माइनस 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 2 3 जा 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 अपॉन 3, 3, 3 3 एलसीएम 3, 3 से 3 1 बार में 1 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 से 3 1 बार में 1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, 20 में से 7 आपका चला जाएगा तो 13 अपॉन 3, 3 से इसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो आप 4 होल 1 अपॉन 3 हो गए, देख रहे हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, 6 3 जा 18 टू 20, 20 अपॉन 3 माइनस 2 3 जा 6 1 7 अपॉन 3, 3 3 का एलसीएम 3, 3 से 3 1 बार में, 1 से 20 में माइनस तो 20 21, 20 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 20 ही होगा, माइनस 3 से 3 1 बार में, 1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, 20 में से 7 को माइनस करेंगे 13 अपॉन में 3 है 3, 3 से जब इसको पूर्णांक में तोड़े देंगे तो 4 होल 1 अपॉन 3, यानी 4 3 जब 12 अपॉन 13, ये आपका 6 का ए है। इसी तरह इसका बी सी डी सब वन बाय वन करके हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चले, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। अबाउट 3 अपॉन 10 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड, कह रहा है कि 10 भाग में से 3 भाग जो है आपका मिट्टी से ये सरफेस लैंड यानी भूमि का इस धरती पर, यानी कि आपका 3 ही भाग जो है वो भूमि है एंड द रेस्ट इज वाटर, और सब है 10 भाग में से जो भी भाग बच जा रहा है वो पानी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, तो कह रहा है वाटर से जो सरफेस कवर्ड है उसका फ्रैक्शन में बताना है। तो आप सिंपल है 7 का सॉल्यूशन निकालिए, टोटल 1 भाग मान लेते हैं तो 1 में से 3 अपॉन 10 माइनस कर देंगे तो आप बाई में 1 ले लेंगे, 1 10 का एलसीएम 10, 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो 10 ही हो जाएगा, माइनस 10, 10 से 1 बार में 1 से 3 में कर देंगे आपका 7 अपॉन 10। फिर से एक बार हम लोग देख ले, मान लेते हैं कि आपका 1 भाग जो है पार्ट है टोटल आपका अर्थ का और इसमें से 3 अपॉन 10 भाग जो है आपका लैंड है तो माइनस कर देंगे, ये बाई में 1 ले लेंगे, 1 10 कैल्शियम 10, 1 से 10 में डिवाइड करेंगे 10 बार में, 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10 से 10 में डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,
लिख देंगे, 10 में से 3 गया 7 अपॉन में 10 है 10, इस प्रकार 7 अपॉन 10 आपका हो गया सॉल्यूशन। और भी जो क्वेश्चन इसमें बच गया है आप वन बाय वन करके धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।